पहली बार मैं किसी को सरप्राइज देने जा रही हूँ भाई। मैं चली नानी घर, उन लोगों को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, इट्स अ सरप्राइज। लोग बोल रही है कब आ रही हो, कब आ रही हो, मैं जा रही हूँ पहले ही। आज कितना तारीख है फ्रेंड्स? आज 29 है। 29 हाँ 29 है आज। और मम्मी वैसे कंफर्म है कि 2 तारीख को जाएंगे, लेकिन हम 29 को ही पहुंच जाएंगे। धप्पा करें, चलो जा रही हूँ इतना सारा भारी सामान लेकर, बाकी मम्मी और प्रिंस से लेके आएंगे। और एक झोला और दे दे, 2 को तो लेके जा रहे हैं, इन लोग का हल्का कर रहे हैं, और बाकी अपना लेके आना। हम तो पहले जाएंगे, उन लोगों को सरप्राइज देंगे। बस मैंने यार, मेरा तबीयत खराब हो गया एकदम, मन उल्टी जैसा एकदम लग रहा। फाइनली पहुंच तो गए हैं, लगता है यहाँ पे सिटी गार्ड के पास वहाँ, और उसका तुमको सामने, आई होप कि यही सामने हो, क्योंकि मुझे पता नहीं, वहाँ पे वो ज्वेलरी है और वहाँ पे वो सिटी गार्ड वाले के पास उतरे थे। वहाँ से अंदर मम्मा बोली बगल वाले गली से जाना है, तो सामने यहाँ, चलो रोड, हम ना कहीं और ना चले जाएं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि इधर कोई डॉक्टर का दुकान है आपके। चलो उसके लिए श्रेयांश के लिए चॉकलेट ले लेती हूँ, 40 वाला। हाँ तो चॉकलेट मेरे लिए, आप सरप्राइज देते हैं उन लोगों को चल के, अगर पहुंच गए तो, इफ आई थिंक सो। इट्स गो, जल्दी चलो यार, बहुत भारी है। चलो चल के बताती हूँ, दिखाते हैं आगे। ये तो एक ही डे आगे था यहीं पे, मुझे दिख रहा है, आई होप यहीं है लगता, तो मंदिर तो आ गया, मंदिर तो आ गया यहीं पे, यही वाला घर है जागे से पलस्तर नहीं है, ऊपर का पलस्तर है, नीचे का नहीं है, जिस फ्लोर पे रहते हैं वो लोग। चलो यही है, पता कि हम आने वाले और हम तो यहाँ टपक गए। चलो चलो दे, पहली बार मैं किसी को सरप्राइज देने जा रही हूँ भाई। भारी भरकम झोले उठा, दरवाजा खुलेगा भी कि सब सो गया होगा, 7:30 ही तो बजे हैं। तो घंटी किधर है, दरवाजा कैसे बजता है, कोई घंटी नहीं रखा इन लोगों ने, देखो जरा। खुल जाएगा क्या ये तो खुल गया, कोई नहीं है, चलो हम सरप्राइज देने आए, चोर मत समझना। दीवानी यार, खुद ही ले जाना पड़ेगा ये सारे बैग, चुपचाप चलना है करके अंदर, चलो इसको नीचे ही रख देते हैं। अब ऊपर चल के बताती हूँ, चलो धप्पा करते हैं सबको, ये भी नीचे ही रख देती हूँ, बाद में ले जाऊंगी, गेट मैंने बंद कर दिया, चलो देते हैं। आवाज आ रही है लोग अंदर से, क्या लगा? यस, दो को बैग तक लेके आ, बैग लेके आ, नीचे अकेले, बंदे को भरोसा नहीं हो रहा कि हम अकेले आ गए, तो खाना नानी, हम खाली बनाओ, चावल की चुनरी, बताओ कैसे लगा सरप्राइज, भरोसा श्रेया दोनों लेके आ गया मेरा, चल रखो तब, और क्या, हमको खाली उतारने तो था। गौर से देखो इस शख्स को, 12 घंटा का खाना खाता है ये, तुमको हम आज एक्सपोज करके रखेंगे, इतना देर से कौन खाना खाता है, तुम खाओ जल्दी जल्दी, थल्ले का बैठल है, ए नहीं नहीं कन्या, इन्हें देखो जरी, नहीं की कन्हा श्रेयांश कन्या, ले
देख के हम चप्पल हाँ। पहले ही देख लिए ये आज पधार स्कूल से और यहाँ हम लोग कर रहे हैं भुंजा सफाई। नानी 15 किलो चावल का भुंजा लाई है जिसको भूंजा जाएगा भूंजा जाएगा नहीं भूंजा हुआ है इसमें से नहीं जिस किसी में अगर बालू लगा हुआ है तो वो निकालना है। इस कैसा लगा श्रेयांश? अच्छा। नानी को तो मस्त लगा है ना, एकदम उम्मीद नहीं था नानी कि हम आएंगे। अच्छा। ये तो यार। मस्ती होगा। क्या मस्ती होगा, वहाँ मेरा ब्लॉग चल रहा है। चलो हम यहाँ इतना सा चुरे हैं बस।